आपका बाप कितना बड़ा है इससे इम्पोर्टेंट है कि आपके इरादे कितने बड़े हैं, आप कितनी शिद्दत से अपने सपने के पीछे भागते हो। आज की कहानी एक बस ड्राइवर के बेटे की है जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा के रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रॉकी भाई केजीएफ सुपरस्टार नवीन कुमार गौड़ा उर्फ यश की। जिद क्या होती है ये मैंने इस बंदे के स्टोरी से सीखा है। इस बंदे का कोई गॉडफादर नहीं था, फिर भी इसने वो मुकाम हासिल कर लिया जो गॉडफादर होने के बावजूद भी कोई बंदा हासिल नहीं कर पाता। यार इस बंदे की स्टोरी ने रोंगटे नहीं खड़े कर दिए तो नाम बदल देना। इस बंदे ने क्या लेवल का स्ट्रगल किया है और आज ये बंदा क्या लेवल की लाइफस्टाइल जी रहा है, ये दोनों चीजें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। सो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों कहते हैं लाइफ बदलने के लिए कोई एक इंसिडेंट ही काफी होता है और ऐसा ही कुछ यश के साथ हुआ था। ये बंदा कोई बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, उसके पापा एक बस ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। एक दिन कुछ ऐसे ही फेस्टिवल्स के चलते उनके स्कूल में एक प्ले होने वाला था, यश ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। ये बंदा उसमें एक साइड रोल प्ले करने वाला था, पर जब वो प्ले हुआ तब यश का रोल सबको मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा पसंद आ गया। उन तालियों ने इस बंदे को इतना मोटिवेट कर दिया कि इस बंदे ने स्टेज पर ही डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो मुझे एक्टर ही बनना है। उस एक प्ले की वजह से ये बंदा अपने स्कूल में इतना फेमस हो गया था कि सारे टीचर्स भी उसे हीरो कहकर बुलाने लगे। पर कहते हैं ना कि कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। कॉलेज में इस बंदे ने सोचा कि अब मैं ड्रॉप आउट लेकर अपना पैशन फॉलो करूंगा, पर बॉस जैसे हमारे घर वाले होते हैं बिल्कुल वैसे ही इस बंदे के घर वाले थे। उन्होंने यश को जोरदार अपोज किया और अपनी डिग्री कंप्लीट करने का हुक्म सुनाया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि यश यानी कि हमारे रॉकी भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई बने। अब बंदा कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, पर माँ बाप के जिद के आगे कभी ना कभी झुकना ही पड़ता है। अपने पेरेंट्स के खातिर यश ने अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, पर फिर भी उनके पेरेंट्स यश के एक्टर बनने के सपने को लेकर खुश नहीं थे। और इस बार यश ने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके उनको अल्टीमेटम दिया कि अब घर वापस आऊंगा तो एक्टर बनकर ही आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। तब उनके पापा ने एक शर्त रखी थी कि तू बैंगलोर जाएगा तो किसी भी रिलेटिव्स के घर पे नहीं रुकेगा। पापा की बात मानकर 300 रुपए जेब में लेकर ये बंदा बैंगलोर आ गया। शुरुआत में तो कोई काम नहीं मिला, पर कुछ दिनों बाद बैंगलोर में ही यश ने बिना का ड्रामा ट्रूप नाम की एक नाटक मंडली ज्वाइन की, जहां पर यश को बैकस्टेज पर काम करना पड़ता था, जैसे कि चाय बिस्कुट लाना, स्टेज ठीक करना वगैरह वगैरह। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के सुपरस्टार यश की ही बात कर रहा हूँ। कई बार होता है ना कि लाइफ में हम जो चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमें सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगाना पड़ता है, और यहाँ भी अगर किस्मत सही रही, सब कुछ बराबर हुआ तो ही कामयाबी मिलती है, वरना उठकर वापस शुरुआत करनी पड़ती है। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कई बार पैसे ना होने की वजह से बस स्टॉप पर भी सोना पड़ा, क्योंकि पापा को प्रॉमिस किया था कि किसी भी रिलेटिव्स के घर पे नहीं जाऊंगा। पर इन सारी मुसीबतों के बावजूद इस बंदे ने अपनी जिद कभी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे ये बंदा फिल्म इंडस्ट्री से फैमिलियर होता गया और उसे प्लेज में भी काम मिलने लगा। दिन बीतते गए, चीजें समझने लगी, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए, एक्टिंग सुधरती गई, और उसी टाइम पे यश को नंदा गोकुला नाम की टीवी सीरियल ऑफर हुई। इस सीरियल में यश ने 3 साल तक काम किया और यहीं से यश की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब यश को लोग पहचानने लगे थे और मूवीज में भी रोल मिलना स्टार्ट हुआ। ऐसी एक मूवी मोगिना मानासू में एक सपोर्टिंग रोल के लिए यश को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला, और इसके बाद इस बंदे का दौर शुरू हो गया। इस बीच यश ने कई सारी सक्सेसफुल मूवीज की, जैसे कि लकी, जानू, गूगली, रॉक एक्सेट्रा। इन सारी मूवीज को मिला के यश ने आज तक केवल 20 मूवीज की है। पर यश को पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन मिली 2018 में आई सुपर डुपर हिट मूवी केजीएफ की वजह से, एंड नाउ इज रेडी विद केजीएफ 2। आज इस बंदे का स्वैग क्या है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये बंदा मानता है कि इसका सक्सेस इसके फैंस की वजह से है, और इसीलिए जहां हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ गिने चुने लोगों के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ शादी करते हैं, वहां इस बंदे ने जब 2016 में शादी की तो पूरे कर्नाटका को ओपन इन्विटेशन दिया था। इस शादी में लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यार जहां पर 25 लोगों को संभालते संभालते नाक में दम आ जाता है, वहां इन्होंने 40,000 लोगों को कैसे मैनेज किया रहेगा, आई कांट इवन इमेजिन। इस ग्रैंड वेडिंग के एक महीने बाद तक फैंस से इनको गिफ्ट्स मिलते रहते थे। उस टाइम पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी थी। आज इतने सक्सेस के बाद भी ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ है, ये आपने कई सारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा होगा। यश ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाने के बाद भी इनके पापा बस ड्राइवर का जॉब करते थे। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अब तो आपका बेटा इतना सक्सेसफुल है, फिर भी आप ये जॉब क्यों करते हो, तब उनके पापा ने कहा था कि यश अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस पर राजा माउली ने भी यश के डैड की तारीफ की थी। दोस्तों ये एक दो इंसिडेंट्स बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल लोग थोड़ी बहुत कामयाबी मिली नहीं तो दूसरों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसमान तक पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मेहनत इतनी करो कि लोग आपको देख के मोटिवेट हो जाए, और इतना डाउन टू अर्थ रहो कि हर कोई दिल से आपकी इज्जत करे। दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैं एक पोल डाल रहा हूँ, वहां पर मुझे सजेस्ट करना कि अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हो। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। This is Mangesh from the Willpower Star, signing off for the day. Bye-bye.